हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर के पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं व अध्यापकों को पुरस्कार वितरित किए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दावों पर पलटवार करते हुए प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत का दावा भी किया। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता विपक्ष की रैली में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी साफ नजर आई है। ये कहना है हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर के पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षा के साथ साथ खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विजेता व उपविजेता प्रशिक्षु अध्यापकों को सम्मानित करने का काम किया। एक ओर अनुराग ठाकुर ने प्रशिक्षु अध्यापकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और संस्कार के साथ ही विभिन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए युवाओं को तैयार करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिलासपुर में आयोजित वीरभद्र सिंह की चुनावी रैली में पार्टी के बीच गुटबाजी की बात करते हुए राजेंद्र राणा द्वारा सुजानपुर कार्यक्रम में भी कार्यकर्ताओं की कमी होने की बात कही। अनुराग ठाकुर ने आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए केंद्र में मोदी सरकार के दोबारा बनने की बात कही। प्रशिक्षु अध्यापकों के लिए आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, मुझे लगता है ये युवा पीढ़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा भी देगी, संस्कार भी देगी और आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार भी करेगी। निश्चित तौर पर डाइट झुकाला में जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, चाहे वो चंबा, मंडी, नालागढ़, हमीरपुर, बाकी जगह से आए हों, उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जब यहाँ से तैयारी करके जाएंगे प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर हमारे विद्यार्थियों को और अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वीरभद्र जी के दावे विधानसभा से पहले भी कुछ और थे जो बाद में खोखले नजर आए। आज उनके अपने कार्यक्रमों में उनके अपने चहेते नेता नहीं पहुंच पाए, आप समझ सकते हैं वो कहाँ खड़े हैं। शिमला से वीरभद्र जी को वहाँ बुलाकर लाए, 500 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, उनको आईना वहीं देखा है, वो केवल प्रेस नोट लिखने तक सीमित है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सांसद निधि से बने स्कूल भवन और सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी किया। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।